एक मीडिया बंदों के माध्यम से एक छोटा सा संदेश टोंक शहर की आम जनता को हम लोग देना चाहते हैं। श्रीमान एसपी साहब टोंक के निर्देशानुसार दिनांक 1 जुलाई 2022 से टोंक शहर में रहने वाले आम जन तथा बाहर से आने वाले, टोंक शहर में किसी भी काम से कोई बाहर से आम जन आ रहे हैं उनके लिए टोंक शहर में 1 जुलाई 2022 से हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। जो इसकी पालना नहीं करता है और बिना हेलमेट 1 तारीख से अगर कोई पाया गया तो उसका MV Act की धारा 194D के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करना पड़ेगा उसे। तो इसके लिए लोगों से हमारी अपील है, 10 दिन का आपके पास समय है और इसके लिए हम एक अभियान भी चला रहे हैं। 10 दिन तक एक गाड़ी सुबह 8 से शाम को 8 तक पूरे शहर में भ्रमण करेगी और अनाउंसमेंट करेगी लोगों को जागरूक करने के लिए हेलमेट के प्रति, सड़क सुरक्षा के जो भी प्रावधान बने हुए हैं उनके नियमों को पालन करने के लिए। एक शायद मंडे से करेंगे। और दूसरा एक अनुरोध है हमारा आमजन से कि शहर में जगह जगह रोड के ऊपर वाइट लाइन बनी हुई है, नगर परिषद की ओर से वाइट लाइन खींची हुई है, उस वाइट लाइन के बाहर अगर कोई वाहन खड़ा मिलता है, अनावश्यक रूप से यातायात बाधित होना पाया जाता है तो उस वाहन के खिलाफ MV Act के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई तो कल से ही चलेगी, बाकी हेलमेट वाली कार्रवाई के लिए हम 10 दिन का आमजन को समय दे रहे हैं कि 10 दिन में आप अपने ये आज जितने भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मौतें हेड इंजरी की वजह से हो रही है, तो हेलमेट होना एक सभी की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और PHQ से और राज्य सरकार केंद्र सरकार सभी से निर्देश सभी को मिले हुए हैं और डेली मीडिया में सब जगह आ रहा है, सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट होना सबसे ज़रूरी है। तो मेरा सभी आमजन से अंत में यही अनुरोध है कि दिनांक 1 जुलाई 2022 से अगर टोंक शहर में आप अपने घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य रूप से लगा कर ही निकलें, अन्यथा आपका 1,000 रुपये का MV Act की धारा 194D के तहत चालान भरा जाएगा।